हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक के न्यू एपिसोड के बारे में। WWE ने पहले से भी इस एपिसोड के लिए मैचेस अनाउंस किए हुए हैं। भाई देखते हैं इन मैचेस के अलावा और इस एपिसोड में क्या क्या देखने को हमें मिला, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस बॉबी लैशले के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच से हुई। मैच शुरू हुआ और पहला दाव बॉबी लैशले की तरफ से लगा। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक स्पीयर दे मारी। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन ने शोल्डर टैकल देके बॉबी लैशले को गिराया। बॉबी ने इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग पोस्ट पर मारा और फिर से स्पीयर देके फैंस के बीच में ले जाके चेयर से ब्रॉन स्ट्रोमैन को कूट डाला। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी वापसी करी और बॉबी लैशले को मारा। मारते गिरते पड़ते हुए ये स्टेज पर आ गए। यहाँ बॉबी लैशले ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को जोरदार पटकनी दी और उसके बाद बॉबी लैशले स्पीयर मारने की तैयारी में थे, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन अचानक से उठे और बॉबी लैशले को लेके स्टेज पर लगी LED बोर्ड को तोड़ते हुए नीचे जा गिरे और उसके बाद वहां तारों में स्पार्किंग हुई, मानो दिवाली वाले अनार चल रहे हों। दोनों तारों में लिपटे पड़े हुए थे। इसके बाद दोनों को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में बाहर ले जाया गया। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस विकिंग राइडर्स के बीच मैच दिखा। मैच के शुरू में ही बिगी ने राइडर्स पर अटैक करा। कुछ टाइम बाद राइडर ने बिगी पर अपनी पकड़ बनाई, बट तभी समोआ जो ने आके जेवियर वुड्स को कोकीना क्लच लगा दिया। उन्हें बचाने कॉफी किंगस्टन आए तो राइडर्स ने कॉफी को कूट डाला और समोआ जो ने उनको भी कोकीना क्लच लगा डाला। इसके बाद ये मैच 6-मैन टैग टीम मैच हो गया। शुरू में तीनों ने मिलकर बिगी को रिंग के बाहर करा और जेवियर वुड्स को निशाना बनाया। काफी देर बाद कॉफी किंगस्टन को टैग मिला और उन्होंने आके सब संभाला और अपोनेंट्स को पीट डाला। बिगी और जेवियर वुड्स राइडर्स के दोनों अपोनेंट को लेकर रिंग के बाहर गिरे। समोआ जो को मौका मिला और उन्होंने कॉफी किंगस्टन पर कोकीना क्लच लगा के ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमें शेन मैकमैन और ड्रू मैकइंटायर दिखाई दिए। शेन आके कहते हैं कि बॉबी लैशले और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में अपडेट कुछ ही टाइम बाद आपको मिल जाएगी। वो भी एक मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम रोमन रेंज की बात करेंगे। रोमन रेंज हमें कभी नहीं हरा सकते हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ आप सभी ने देखा और आप सभी को पता है, हमने रोमन रेंज को पूरी तरह कूट डाला था। मैकइंटायर कहते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंज का क्या हाल होगा वो अच्छे से जानते हैं। शेन मैकमैन कहते हैं कि हमें अंडरटेकर पर भी फोकस करना चाहिए। हम आपको क्रेडिट देते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने आपको सरप्राइज करा, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स में ऐसा नहीं होगा, वहां हम भारी पड़ेंगे। रोमन रेंज ने अंडरटेकर की हेल्प ली है, इसलिए वो वापस आए हैं। मैकइंटायर कहते हैं कि अंडरटेकर एक लेजेंड है, उन्होंने सभी को अपनी ताकत से डराया है, लेकिन मैं छोटा आदमी नहीं हूं, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर अंडरटेकर को आना है तो सभी के सामने आए, वैसे भी एक्सट्रीम रूल्स में हम इस लेगेसी को खत्म कर देंगे। इसके बाद अंडरटेकर की एंट्री होती है। शेन मैकमैन और ड्रू मैकइंटायर रिंग के बाहर चले जाते हैं। अंडरटेकर आके कहते हैं कि रोमन रेंज ने मुझसे नहीं कहा कि आके मेरी हेल्प करो, बट फिर भी तुम्हें आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं काफी पहले से आत्माओं को इकट्ठा करता आया हूं और मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी आत्मा को कलेक्ट करूंगा। शेन मैकमैन, तुम्हारे साथ तो मेरा वैसे भी पुराना रिश्ता है, तुम इस दुनिया में बेस्ट हो सकते हो, लेकिन मैं तुम दोनों को जहां भेजूंगा वहां तुम कुछ भी नहीं होगे। इस बार तुम दोनों रेस्ट इन पीस। इसके बाद हमें नटालिया वर्सेस लेसी इवान के बीच मैच दिखा। रिंग साइड बैरन कॉर्बिन भी मौजूद होते हैं। लेसी ने शुरू में ही अटैक करा, रोप पर चढ़ी लेसी को नटालिया ने नीचे गिराया। मैच के दौरान कॉर्बिन ने नटालिया का पैर भी खींचा और मौका देखकर लेसी ने इसका फायदा उठाके मूव देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें अलायस वर्सेस मिज के बीच 2 out of 3 फॉल्स मैच दिखा। मिज ने आते ही अटैक करा और अलायस को स्टील स्टेप्स पर दे मारा। रिंग में लाके उन्होंने DDT देके पहला फॉल्स मिज ने अपने नाम कर लिया। अलायस ने वापसी करते हुए मिज पर पलटवार करा और दूसरा फॉल्स अपने नाम करा। इसके बाद दोनों के बीच आखिरी फॉल्स को लेके फाइट दिखी, बट लास्ट में मिज ने सबमिशन लगा के मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस बैकी लिंच वर्सेस माइक और मारिया कैनालिस के बीच मिक्स मैक्स टैग टीम मैच दिखा। मैच के शुरू में ही सेथ रॉलिंस ने माइक को 2 बार गिराया। इसके बाद माइक ने सेथ रॉलिंस को पंचेस मारे, बट सेथ रॉलिंस ने माइक को रिंग कॉर्नर पर बकल बम दे मारा। फिर सेथ ने माइक को ले जाके मारिया को टैग करवाया। इसके बाद बैकी लिंच आई और मारिया नीचे भाग गई। इसके बाद जैसे ही बैकी लिंच मारिया को मारने आगे बढ़ी तो मारिया ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इसके बाद बैकी लिंच ने रिंग में आके माइक पर आर्म लॉक लगा के मैच जीत लिया। इसके बाद मारिया ने माइक को काफी सुनाया और कहा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इस बच्चे के फादर तुम हो, क्योंकि यहाँ असली मैन सिर्फ बैकी लिंच ही है। इसके बाद बैकस्टेज मैवरिक ने आर्ट्रूथ को मारकर 24/7 टाइटल फिर से जीत लिया। इसके बाद हमें मेन इवेंट में AJ स्टाइल्स वर्सेस रिकोशे के बीच US चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। शुरू में दोनों ने जोर आजमाइश करी, बट AJ स्टाइल्स ने रिकोशे को मारना शुरू करा। रिकोशे ने AJ स्टाइल्स को रिंग के बाहर करके शानदार सुसाइड डाइव लगाई। इसके बाद रिकोशे अपना मूव देने की कोशिश में थे, बट AJ स्टाइल्स ने मौका देखकर फिनोमिनल फॉरआर्म लगा के कवर करके मैच जीत लिया और टाइटल उठा लिया। बट रिकोशे का पैर रोप के बाहर था और टच भी हुआ था, इसी वजह से मैच फिर से शुरू हुआ। रिंग साइड गैलोज और एंडरसन भी मौजूद होते हैं। रिकोशे ने शानदार किक मारकर
एजे स्टाइल्स को गिरा दिया। एजे स्टाइल ने फिर से रिकोशे को रिंग के बाहर फिनोमिनल फॉर आर्म दिया। इसके बाद दोनों टॉप रोप से गिरे। यहीं रिकोशे ने मौका देखकर एजे स्टाइल्स को रोल करके मैच जीत लिया और टाइटल बचा लिया। इसके बाद एजे स्टाइल ने रिकोशे से फिर से हाथ मिलाया और इस बार एजे स्टाइल ने रिकोशे पर पूरी तरह अटैक कर दिया। स्टाइल्स, गैलोज, एंडरसन तीनों ने मिलकर रिकोशे को तबीयत से कूट डाला। बहुत मारा भाई, बहुत मारा। यही आज रॉक का एपिसोड खत्म हुआ। आज का एपिसोड ठीक ठाक था, अंडरटेकर दिखे बट रोमन रेंज आज के एपिसोड में नहीं देखने को मिले। वही मेन इवेंट में बुलेट क्लब बनता हुआ दिखाई दिया। वैसे आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद है तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर स्टाइल क्लैश 360 प्लस मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।